लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा नूरी खान के इस्तीफे के रूप में। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष नूरी खान ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को वजह बताया है, लेकिन इसे एक बड़ा झटका फिलहाल कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है। लेकिन महिला नेता नूरी खान आखिरकार है कौन और क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। नूरी खान उज्जैन से आती हैं। आपको बता दें कि नूरी खान कांग्रेस की पुरानी नेता है, लगभग 20 साल से भी ज्यादा के वक्त से नूरी खान कांग्रेस से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, वो महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष भी है। कई बार नूरी खान कॉन्ट्रोवर्सीज में भी रही है। आइए आपको विस्तार से नूरी खान के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि नूरी खान ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उज्जैन में NSUI से अपने राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की। वो 20 साल से भी अधिक समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, नूरी खान राष्ट्रीय स्तर की समन्वयक भी रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता और मदरसा बोर्ड में भी उन्हें स्थान मिला है। वहीं आपको बता दें कि नूरी खान जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यानी कि जो पहली यात्रा साल 2022 में हुई थी, उसमें राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने वाली नेता भी हैं। आपको बता दें कि नूरी खान की शादी रकीबुद्दीन से हुई है और रकीबुद्दीन असम से कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं भी बता दें कि पिछली बार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए उनका नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें ये पद नहीं मिला, जिसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई थी। वहीं ये भी आपको बता दें कि नूरी खान कमलनाथ खेमे से आती हैं, कमलनाथ की करीबी मानी जाती हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में नूरी खान उज्जैन से टिकट की मांग भी कर रही थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। वहीं तब भी नूरी खान की नाराजगी सामने आई थी। वही बता दें कि टिकट ना मिलने से नाराज नूरी खान को मनाने के लिए उनको नीमच का प्रभारी बनाया गया था। कमलनाथ गुट से आने वाली नूरी खान ने फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में लगी कांग्रेस को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में झटका लगा है। हालांकि नूरी खान ने साफ तौर पर अपने इस्तीफे में ये बात स्पष्ट की है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो हज पर जाने वाली है, इसलिए भी वो पार्टी के तमाम जो काम है वो उनका निर्वहन नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो पार्टी की विचारधारा से जुड़ी रहेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उससे पहले जिस तरीके से इस्तीफे मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नूरी खान का अगला कदम क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इसे बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।